हाय ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। मेरी तो भगवान से यही गुजारिश है, यही दुआ है कि सब खुश रहे, स्वस्थ रहे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप खुद के बाल अपने घर पे कैसे कट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी और हाँ, वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनती है। तो हमें अपने अच्छे बालों को अच्छी तरीके से कॉम कर लेनी है, पूरा बाल सुलझी हुई रहनी चाहिए। उसके बाद एक पतली सी कॉम, नोकीली वाली जो होती है, वो कॉम लेके हमें अपने बालों को दो पार्ट में डिवाइड करनी है। देख सकते हैं जैसे मैंने इस तरीके से डिवाइड किया, आप इस तरीके से डिवाइड कर लो दो पार्ट में। तो आप चाहें तो बालों को गीला करके भी आप कट कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बालों को गीला नहीं किया, मैं ड्राई बालों में ही कट कर दी। तो स्ट्रेट करके भी कट कर सकते हो, बट मैं स्ट्रेटनर हेयर में नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा रफ और ड्राई है, इस वजह से मैं हीट यूज़ नहीं करती हूँ। तो देख सकते हैं मेरी जो नीचे की हेयर है कितनी रफ और ड्राई है। तो मैं बहुत सी लेंथ इसको कट करूँगी, छोटे छोटे बाल में रखूँगी। तो अपने फेस को एकदम फ्रंट में रख, मतलब फ्रंट की तरफ देखें, इधर उधर फेस ना करें, एकदम नेक को सीधी रखनी है। उसके बाद मिरर में देखते हुए जितनी लेंथ रखनी है उतनी लेंथ के अकॉर्डिंग अपने बालों को कट करें। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बहुत सारे बाल कट कर दिए हैं क्योंकि देख ही सकते हैं एक लाइन बन गई थी, बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो गई थी, मेरी बाल रफ हो गई थी, मुझे खुद ही अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने कट कर दिया। उसके बाद अभी तो ये हमारी हो गई लेंथ, तो लेंथ तो हो गई, अब हमें इसमें लेयर कट की लुक देनी है। तो इसमें मैं आप लेयर कट करूँगी तो आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें कि मैं लेयर कट कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी लेंथ जितनी रखनी है उतनी लेंथ को कट कर लेनी है, उसके बाद अच्छी सी कॉम कर लेनी है। बालों में एक भी जटा जो होती है ना, लट्टे वो नहीं रहनी चाहिए, अच्छी तरीके से अपने बालों को कॉम कर ले। सारे बालों को फ्रंट में एक कोनी कर ले, सारे बालों को अच्छी तरीके से जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, मैं बार बार कैमरे की तरफ भी देख रही हूँ ताकि मैं दिख तो रही हूँ कि नहीं, बाल फ्रंट पे आ जाने के बाद कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं बार बार कैमरे की तरफ देख रही हूँ कि वीडियो बन गई है कि नहीं। तो इस तरीके से अपने सारे बालों को फ्रंट में, फोरहेड के एकदम फ्रंट में पोनी कर ले इस तरीके से रबड़ की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे ये पोनी कर लिया है, फिर भी आप देख रहे होंगे कि मेरी बाल जो है नीचे से ड्राई लगी रही है, रफ लगी रही है। इसमें भी मैं इसमें लेंथ को कट करूँगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेरी बाल जो है ड्राई है। कहते हैं ना 3 मंथ में या 1 मंथ में थोड़ी थोड़ी बाल कट करनी चाहिए, इससे हमारी बाल जो होती है वो ड्राई और रफ नहीं लगती है। टूटे हुए दो मुहे जो बाल होते हैं वो निकल जाते हैं, इसलिए 1 मंथ में नहीं तो कम से कम 3 मंथ में हमें अपने बालों को कट करनी चाहिए। इससे बालों की लेंथ भी, ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो देख सकते हैं मैं इतनी बालों को अभी फिर से कट करूंगी लेंथ को। बालों को फिंगर के बीच में ऐसे पुश करनी है, दबा के रखनी है ताकि ये बाल अपनी जगह से हिले ना, और उसको सीजर की हेल्प से कट करनी है। और हमारे अपने हेड को एकदम स्ट्रेट रखनी है, झुकनी नहीं है। मैंने अपने हेड को एकदम स्ट्रेट रखी तो आप देख सकते हैं आप मेरी लेंथ जो है बिल्कुल कट हो चुकी है, जितने ड्राई और रफ हेयर थे वो सारे कट हो गए हैं। आप इसके बाद हमें अपने बालों को ट्रिम करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इससे हमारी बालों में वॉल्यूम होती है। तो ये ज़रूर करें आप कट करने के बाद, इससे जो हमारी लेयर कट की जो लुक होती है बहुत ही प्यारा सा दिखता है, बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये करना ना भूले, ये आप ये करें तो एकदम फास्ट मोड में करें क्योंकि ये आप स्लो स्लो करेंगे तो आपको डर लगेगा कि कहीं लंबे बाल ना कट जाए, तो इसीलिए ये फास्ट मोड में फटाफट जो होती है ना वो कट करते रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा, कट नहीं होगी एक्स्ट्रा बाल, सिर्फ हमें ट्रिम करनी है, नीचे की बाल थोड़ी कट करनी है। अब मैं ओपन करके दिखा रही हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा आया है, बहुत ही प्यारा सा आया है हमारा लेयर कट, देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका मैंने बताया है, इस तरीके से हर कोई
घर पे ही अपने बालों को कट कर सकते हैं। अब तो सैलून में पार्लर में इतने बालों के कट करने के पैसे लेते हैं हम, तो क्या करें। तो इसके लिए मैं घर में ही कट करती हूँ। मुझे खुद के बाल खुद ही कट करना बहुत ही पसंद है, मैं ज़्यादातर मैं घर में ही कट करती हूँ। तो देख सकते हैं मेरे बाल कितना प्यारा सा लुक आया है लेयर कट का। मैंने सॉफ्ट लेयर कट किया है, मैंने ज़्यादा लेयर नहीं दिया है, थोड़ी थोड़ी लेयर दिया है। मुझे नीचे की बालों की लेंथ को कट करनी थी क्योंकि ड्राई हो गई थी, रफ हो गई, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को लेयर कट का भी लुक दिखा दूँ, लेयर कट कैसे करते हैं। तो देख सकते हैं बैक से कुछ ऐसा लुक आया है, कितना प्यारा सा लुक लग रहा है जैसे लेयर कट है। तो आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।